हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस कैलक सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस कैलक की। यहां पर पुराना ही डेटा है, अब ये राम श्याम ये लोग एम्प्लॉई हैं, इनके जगह कोई दूसरा नाम भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर इनको कुछ सैलरी दी जा रही है। अब जो सैलरी इनकी है इसके लिए, अब ये तो दो ही फील्ड है, आपके पास 10 20 50 फील्ड भी हो सकते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉई है, सैलरी है, ये दो ही फील्ड तो है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं, हमें सीखना है पाइवोट टेबल। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवोट टेबल इंसर्ट मेन्यू में होता है, ठीक है, लेकिन यहां कहां पे होता है? अगर आप यहां पे इंसर्ट में जाते हैं तो यहां पर आपको कोई पाइवोट टेबल दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कहां जाना होगा, यहां से हमें सीधा चला जाना होगा डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जैसे ही आए तो यहां पर आना होगा आपको पाइवोट टेबल पे। जैसे ही पाइवोट टेबल पे आते हैं तो यहां पर क्रिएट पे आ जाइए, आगे क्रिएट पर करंट सिलेक्शन, इसी को टिक रखिएगा, ठीक है। करंट सिलेक्शन जो है इसी को टिक रखिएगा, बाकी ये डेटा सोर्स रजिस्टर्ड इन ओपन ऑफिस ये तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि हम रजिस्टर तो करने वाले नहीं है, हम फ्री वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो करंट सिलेक्शन को ही टिक रख करके ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो आपको इसमें इस तरीके से आएगा। अब यहां पे फील्ड में देखिए दो फील्ड दिख रहा है, दो ही लिया हुआ है तो दो ही दिखेगा ना, एक नेम ऑफ एम्प्लॉई है और यहां पे सैलरी है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सैलरी का टोटल करें, टोटल करें विद द हेल्प ऑफ पाइवोट टेबल। पाइवोट की सहायता से हम सैलरी का टोटल करेंगे और केवल सैलरी का टोटल करेंगे, ठीक है। अब काउंट कर नहीं करना है हमें, जैसे कितने लोगों को सैलरी दी गई आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें काउंट नहीं करना, सैलरी का टोटल करना है। अब टोटल तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन जब बड़ा डेटा होता है तो फिर उसमें दिक्कत होती है। और पाइवोट का महत्व क्या है ये आपको इससे समझ में आएगा। यहां पर जाएंगे और सैलरी को ड्रैग करके यहां रो फील्ड में छोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये जो सैलरी है इसको फिर दोबारा लाएंगे और डेटा फील्ड में छोड़ देंगे। हमें सैलरी का टोटल करना है, यहां से अब हमें ओके करना है, ये ओके कर दिया हमने। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये कुछ इस तरीके से आ गया है, सैलरी का टोटल भी हुआ है। अब ये सैलरी का टोटल सही हुआ है या नहीं हुआ है इसका हम आकलन कैसे करेंगे? अच्छा, यहां पर जाएंगे तो आप यहां से फिल्टर भी कर सकते हैं, यहां पे ऑल पे टिक है, मैं ऑल से टिक हटा देता हूं, ठीक है। हमें केवल इनका इनका और इनका टोटल चाहिए, ठीक है, ये फायदा है पाइवोट टेबल का। तो देखिए केवल इनका इनका और इनका टोटल ही आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, देखिए सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो पता चल ही जाएगा। तो ये सम का फॉर्मूला लगाया हमने और इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 2 3, इन तीनों को ऐड किया, एंटर प्रेस किया। अब ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये तो आ जाता है एरर, एरर नहीं है लेकिन ये आ जाता है क्योंकि कॉलम छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये यहां पे देख सकते हैं 1,85,582 रुपए, सेम रिजल्ट आ रहा है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं इसको हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं हमें, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, ये हटा दिया हमने। अब हम ये चाहते हैं कि पूरा दिखाई दे, तो यहां से जाकर के और यहां पे ऑल पर टिक कर दीजिए, बस पूरा दिखाई देने लगेगा, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, पाइवोट टेबल का यही तो फायदा है। अब इसका भी टोटल करके दिखा देता हूं, सम कर देता हूं ताकि दिमाग से ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इसका टोटल सही आया है कि नहीं। तो ये देखिए यहां पे गए और इसको पूरे को ड्रैग कर लिया, ठीक है, ये किया, इसको बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो यहां पे देखिए 4,62,153, तो यहां पर भी तो वही आया हुआ है। तो ये फायदा है। और ओपन ऑफिस में यहां पर इस मेन्यू में जाकर के आप पाइवोट टेबल का यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।